पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जिले भर में कोरोना संक्रमण दोबारा से बढ़ने को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को टेस्टिंग से लेकर मरीजों के इलाज तक की व्यवस्था के लिए मुस्तैद रहने को कह दिया गया है, लेकिन इन हालात में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की हड़ताल से समस्या पैदा हो गई है। मंगलवार को कर्मचारियों की हड़ताल शुरू होने से स्वास्थ्य विभाग के पास काम करने के लिए मानव संसाधन का टूटा पड़ गया है, जिसकी वजह से कोरोना की जांच समेत कई तरह के कार्य लगभग ठप हो गए हैं। टीकाकरण के अभियान पर भी हड़ताल की वजह से संकट पैदा हो गया है। दरअसल आज उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के तत्वावधान में अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर चलाया जा रहा कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम दूसरे दिन भी जारी रहा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुरादाबाद के कार्यालय के बाहर ये बहिष्कार कार्य रखा गया। कार्यक्रम में जनपद में समस्त संविदा कर्मचारी और अधिकारी कार्य बहिष्कार पर रहे। मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में प्रदर्शन कर रहे अधिकारी कर्मचारी सभी के उत्साहवर्धन के लिए प्रदेश अध्यक्ष मयंक प्रताप सिंह प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी 7 सूत्रीय मांगे शासन मिशन निदेशक स्तर पर दीर्घकाल से लंबी चली आ रही है, जिनके लिए कई बार हमारे द्वारा प्रदर्शन भी किया गया है और वार्ता भी की गई, लेकिन अभी तक उन समस्याओं का निस्तारण नहीं हो सका, जिसकी वजह से एक बार फिर से ये कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। देखिए, हम 7 सूत्रीय मांगों को लेकर के अपने इस कार्य बहिष्कार पर बैठे हैं और हमने इससे पहले ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा था जिलाधिकारी के महोदय के माध्यम से और सभी जनपदों से गया था। हमारी बहुत पुरानी मांग है कि जो सृजित पद हैं उन पर हम लोगों को समर्जित किया जाना चाहिए, क्योंकि हम में तो बहुत सारे कर्मचारी साथी हमारे ऐसे हैं जो 18 साल 16 साल और 10 साल से अधिक से कार्य कर रहे हैं, और जब तक पद सृजित नहीं होते हैं तो जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि समान कार्य समान वेतन, तो वो सरकार लागू करे। इसके अलावा जो हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि वो बहुत दूर दूर से रह करके यहाँ सर्विस कर रहे हैं, तो उनको गृह जनपदों के आसपास जो है वो ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। रिक्त पदों पर भी ट्रांसफ़र की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि पहले ट्रांसफ़र होते थे, बीच में कोविड काल से पहले वो ट्रांसफ़र बंद कर दिए गए थे, उनको पुनः खोलने की मांग है। तीसरा ये है कि जो हमारे साथी हैं, कई संविदा जो कर्मी होते हैं उन्हें वेतन के अलावा और कोई लाभ नहीं दिया जाता, तो कई बार ऐसा होता है कि अपनी ड्यूटी पे जाते समय सुबह में कई बार कई लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए और एक्सपायर भी कर गए, तो उनके लिए कोई बीमा पॉलिसी नहीं है। इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए भारत सरकार लगातार NHM उत्तर प्रदेश को बजट दे रही है पिछले चार साल से, लेकिन आज तक सरकार ने उस नीति को लागू नहीं किया है। तो इन्हीं सब बातों को विरोध में लेकर के हम लोग पहले कई चरणों में हमने इस आंदोलन की शुरुआत की। पहले हमने उनको ज्ञापन दिया, ज्ञापन के बाद में एक दिन कार्य बहिष्कार किया काला फीता बांध करके, दूसरे दिन 1 घंटे का कार्य बहिष्कार किया था, तीसरे दिन हम लोगों ने ताली थाली बजा करके सोई सरकार को जगाने का प्रयास किया। उसके बाद लखनऊ में हम लोग वार्ता के लिए गए, उच्च अधिकारियों ने माना कि आपकी मांगें जो है वो सही हैं बिल्कुल और होना चाहिए, किंतु वो लिखित में देने के लिए तैयार नहीं है। हमने कहा कि आप बस लिखित में दे दीजिए कि हम एक डेडलाइन दे दीजिएगा, इतने समय में हम आपकी मांगों को पूरा कर देंगे, तो उन्होंने कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया। उस कारण मजबूरन हम लोगों को मजबूरी में ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है कि जिससे इस प्रदेश की जनता को जो है असहजता का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य सेवाएँ बाधित होंगी। किस तरह की स्वास्थ्य सेवाएँ बाधित रहने वाली हैं और कितने कहाँ से लोग इसमें शामिल हो रहे हैं? देखिए, हमारा आप देखिएगा, अगर स्वास्थ्य विभाग का आधारभूत ढांचा अगर आप देखें, वर्तमान में स्थिति यह है कि स्वास्थ्य विभाग में नियमित कर्मचारियों की संख्या मात्र 30% है और तमाम स्वास्थ्य सेवाओं को जनता तक क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी जो है वो इस विभाग के संविदा कर्मचारी कर रहे हैं। अभी हमने क्या किया है, सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सारे कार्य बाधित कर दिए हैं, चाहे वो कोविड की टेस्टिंग हो, ट्रेसिंग हो, इसके अलावा जो कोविड वैक्सीनेशन था वो पूरी तरीके से बाधित है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग में बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो संविदा कर्मचारी हैं उनकी है। वो एक तरह से गाड़ी के दो पहिए की तरह हम लोग हैं, जो अस्थाई कर्मचारी हैं और जो संविदा कर्मचारी हैं वो हमारे छोटे भाई की तरह। अगर उनको कोई कष्ट होता है तो निश्चित रूप से जो अस्थाई कर्मचारी हैं विभाग के, वो पूर्ण मनोयोग से इनके कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इनका पूरा हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद और डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन मुरादाबाद, हमने कल भी घोषणा की थी, ये जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य कर्मी हैं, जितने संविदा कर्मी हैं, इनके आंदोलन में हम पूर्ण समर्थन करते हैं।
और अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम भी इनके साथ कार्य बहिष्कार करके इनके साथ धरने पर बैठने के लिए मजबूर रहेंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।